महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अभियान पोषण माह अंतर्गत कार्यक्रम में पोषण मेला व पोषण व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन महिला एवं बाल विकास परियोजना कटनी शहर के सेक्टर क्रमांक 1 की पर्यवेक्षक श्रीमती श्रुति मिश्रा के नेतृत्व में हुआ व कार्यक्रम परियोजना अधिकारी श्रीमती मीना बड़कुल के निर्देशन में किया गया। उक्त कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामूहिक आयोजन उपरांत किया गया, जिसमें विभिन्न हितग्राहियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं हरी साग सब्जियों से तैयार व्यंजन व THR से तैयार व्यंजनों का विधिवत प्रदर्शनी तैयार की गई, जिसमें परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक द्वारा व्यंजन प्रदर्शनी का अवलोकन व निरीक्षण उपरांत प्रतियोगिता में बताया कि आज अन्य पोषण आहार के लिए गर्भवती महिलाओं को केंद्र में बुलाकर बताया किससे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, एवं गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान कौन कौन से आहार का सेवन लेना चाहिए जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। वहीं केंद्र में बच्चे का अन्नप्राशन भी किया गया, जिससे माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को पौष्टिक आहार मिले एवं गर्भ में पल रहे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाकर उपयोगिता व गुणवत्ता के आधार पर प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजन उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी व गतिविधि की एंट्री पोषण अभियान के जन आंदोलन पोर्टल में परियोजना स्तर में की गई। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर। कार्यक्रम किया आप लोगों ने? आज अन्नप्राशन किया लव नामदेव का, और महिलाओं को पौष्टिक व्यंजन की हर छह महीने पूर्व हो जाने पर इनको उपहार की शुरुआत की जाती है। तो उन लोगों को यही समझाया कि आपका बच्चा कमजोर ना हो, दिन में 3-4 बार खाना खिलाओ, पौष्टिक व्यंजन जो हम लोग दलिया खिचड़ी सोया बर्फी की लड्डू बेसन लड्डू हम लोग भारतीय गर्भवती को देते हैं। अच्छा, तो 6 मास से 3 साल तक के बच्चों को ये मिलता है। अच्छा अच्छा, और ये जो आपने अन्नप्राशन का ये जो अन्न पोषण आहार चल रहा है, अच्छा, इसी का हम लोग ने बना के व्यंजन प्रतियोगिता रखी है। इसलिए सब महिलाओं को बुला के वो बताए हैं कि इसमें क्या क्या बनता है। क्या क्या बनता है इसमें? इसमें जैसे सोया बर्फी हुई, बेसन लड्डू हुए अच्छे बना लो, कुर्मी बना लो, पौष्टिक खिचड़ी बना लो। क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह।